दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं कुछ माता के मंदिर से बंद। तो ये भाई आ जाते हैं अपना नाश्ता। मम्मी को बोला था मैं, तो मम्मी टोल प्लाजा जब आते हैं ना तो उसको ऐसे कर दिखा देता हूँ। हम आ रहे हैं कोरबा से। अभी लग रहा है कि मैं ना खाऊँ शेर भी हो सकता है। गुड मॉर्निंग यूट्यूब, आप सभी को जय माई की। अभी टाइम हो रहा है 6:40 और हम लोग घर से लगभग 35-36 किलोमीटर दूर आगे आ गए हैं और हम लोग निकले हैं अभी माता शारदा के दर्शन करने के लिए मैहर। तो मैहर लगभग अपने कुसमुंडा से ना कोरबा से आपका 382 या 380 किलोमीटर दूर है। और ये जो है अभी हम लोग जंगल के रास्ते पहुँच गए हैं, पसान वाला रोड है ये। तो हम लोग सोचे थे कि पहले तो ट्रेन से सोचे थे जाने के लिए, बट क्या हुआ ना ट्रेन का टिकट मिल नहीं रहा था गर्मी के कारण। और सोचे कि फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे करके करते करते फिर डिसाइड किए कि गाड़ी में ही चलते हैं। जितना का हम लोग का टिकट लगेगा उतना के हम लोग अपनी गाड़ी में डीजल डलवा के चल देंगे माता के दर्शन करने के लिए। तो फिर लास्टली यही डिसाइड हुआ, तो हम लोग निकल गए हैं अभी। और एक फ़ायदा ये भी होता है अपने गाड़ी में जाने का ना, कि अपना सामान वामान पीछे रख दो और आराम से जहाँ मन करे वहाँ गाड़ी को रोको, आराम से रेस्ट करते हुए आराम से जाते। और ट्रेन में क्या है ना, ट्रेन में जाते भी तो हम लोग को बिलासपुर से ट्रेन पकड़ना पड़ता है क्योंकि कोरबा से डायरेक्ट कोई भी ट्रेन नहीं है। और कोरबा से वैसे भी ना किसी भी कहीं भी जाने के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है, बहुत बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट है जो ट्रेन मिल जाए। पैसेंजर गाड़ी पैसेंजर कोई भी गाड़ी ना कोरबा से मिलता ही नहीं है। यहाँ से तुमान दिखा रहा है 9 किलोमीटर, तो मिलता नहीं है। तो इसलिए सोचे कि फिर हम लोग को जाना पड़ेगा बिलासपुर, फिर उधर से उसलापुर, ऐसे ऐसे करके उसी हिसाब से अपनी गाड़ी से चलते हैं, ज़्यादा बेटर है। खाने वाने का हम लोग बना के अपना रख लिए नाश्ता वास्ता, क्योंकि रास्ते में कभी मॉर्निंग का टाइम निकले ना तो गर्मी के टाइम में नाश्ता वास्ता कहीं अच्छा मिलता नहीं है। समोसा बड़ा वही सब मिलेगा तो उससे क्या है ना अच्छा ही लगता है, फिर रास्ते में मज़ा नहीं आता है। घर से बना के रख लिए हैं और निकले हैं माता के दर्शन करने के लिए। तो मैं बता देता हूँ, माँ शारदा जो है ना मैहर नाम क्यों पड़ा एक्चुअल में जो है ना, आप लोगों सभी को कहानी पता ही होगा। रिकॉर्ड चालू है कि नहीं चालू देख लेता यार। हाँ रिकॉर्डिंग चालू है क्योंकि लास्ट टाइम मैं ब्लॉग शूट किया ना उसको देखा तो साला रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो माँ शारदा जो मैहर है ना, वो मैहर क्यों पड़ा क्योंकि आप लोग सभी को पता है कि राजा दक्ष जो थे ना, वो उसका एक यज्ञ कराए थे जिसमें शंकर जी को नहीं बुलाए थे, सती जी को बुलाए थे, उनकी वाइफ को बुलाए थे। तो माँ सती गई थी और वहाँ पर वो राजा दक्ष जो था ना वो शंकर जी का अपमान कर रहा था, तो सीता सती जी सह नहीं पाई, उसको अपना अग्निकुंड में देख कूद के अपना जान दे दी। तो जब शंकर जी को पता चला तो वो अपना बॉडी माता का बॉडी लेके इधर से उधर अपना ना घूम रहे थे पृथ्वी पे। तो ये सब देख के ना पूरा हाहाकार मचा हुआ था पूरा पृथ्वी पे। तो विष्णु जी सोचे कि ना इसे रहेगा तो पूरा सृष्टि का नष्ट हो जाएगा। तो फिर वो अपने चक्र से माता सती के ना 52 टुकड़ों में मतलब पूरे टुकड़ा कर दिए। उससे क्या है ना, जितने भी टुकड़े जो भारत में गिरे ना तो उससे 52 शक्तिपीठ माता के 52 शक्तिपीठों का ना निर्माण हुआ। तो उसमें से जो माता गले का हार था ना, माई हार यही बोल सकते हैं उसको, माई का हार जो है ना वो गिरा वही मैहर में सतना के पास में। तो आप बोल सकते हो माई का हार जो है वो मैहर है, तो इसलिए हम लोग उसका नाम पड़ गया मैहर। तो अब लोग हम लोग वहीं जा रहे हैं तुमान 3 किलोमीटर यहाँ से। और आला उदल जो माता के जो परम भक्त थे, दो व्यक्ति थे, वो उनके बारे में ना वो ऐसे सुनने में लगे कि आला तो ये कोई दूसरे धर्म के थे, ऐसा नहीं है, वो हिंदू धर्म के ही थे और मिक्स थे, समझ जाओ यदुवंशी और राजपूत लोग के ना वो मिक्स थे। और उसका कहानी जो मैं आगे बताऊंगा क्या था। और यहाँ पर लगा हुआ है सरोज दीदी का बैनर, क्योंकि कल है 7 मई और छत्तीसगढ़ में आखिरी चरण का चुनाव जो होना है, तो कल का वोट जो है मैं नहीं दे पाऊंगा। तो अभी हम लोग 82 किलोमीटर ट्रेवल करके आ गए हैं किसी जंगल से एरिया में, पता नहीं इस एरिया का नाम क्या है क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है ना इसलिए बता नहीं सकता। और घर में ही मम्मी बनाई थी नाश्ता, तो अभी हम लोग नाश्ता खोल रहे हैं। तब हम लोग नाश्ता कर रहे हैं खोलो नाश्ता। बना है आलू का भुजिया और पराठा, एकदम चौचक। और अचार भी लाए, बट अभी हम लोग अचार नहीं खाएंगे भाई, सुबह सुबह मसालेदार हो जाएगा। पूरी बनाई हो? पूरी। अच्छा, मेरे को लगा पराठा बना है, पूरी और भुजिया बना है। तो ये भाई आ जाकर अपना नाश्ता।
मम्मी का बोला था मैं कि गुलगुला मम्मी इतना सारा गुलगुला रख लिया हम लोग का, और ये दो गुलगुला पूड़ी और आलू की भुजिया, ये अपना नाश्ता रख दो मेरे को। बन गया है नाश्ता तो अपना मस्त गुलगुला उलगुला तो रास्ते में खाते पीते जाएंगे। और फिर प्लेट टूट गया है, कह रहे टूटा मम्मी है फटा ही था, फटा ही हुआ था। टिन जंगल में नाश्ता करीबन हम लोग आधा घंटा यहाँ पर अभी खाते पीते अपना आराम करते हो गया। 7:30 बजे रुके थे, 8 बजे यहाँ से वापस निकल रहे हैं, कौन से ग्राम है पता नहीं, पर अभी हम लोग पहाड़ उतर रहे हैं। तो अभी हम लोग एंटर कर दिए हैं GPM गोरिल्ला पेंड्रा मारवाही, यहाँ से पेंड्रा 21 और अमरकंटक दिखा रहा है 48 किलोमीटर। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ ना, लोकसभा चुनाव जो होने वाला है अभी आम चुनाव, तो उसका जो है अभी गाड़ी का एंट्री हुआ क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है जिले का, तो यहाँ से GPM चालू हो जाता है गोरेटा पेंडर मारवाही। तो यहाँ पर गाड़ी का एंट्री हुआ, चेकिंग नहीं हुआ, बस गाड़ी का एंट्री किए, नाम एड्रेस वो सब पता किए, कहाँ से आ रहे हो कहाँ जा रहे हो ऐसे से पता किए, और फिर बोले ठीक है जाओ चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई मेरे को दिख गया रास्ते में नड्डा वाला, और मेरे को खाने का मन कर दिया नड्डा, तो अभी नड्डा वाले को रुकवाए हैं। इसमें 13 रुपये में ना, सॉरी 13 रुपये बोलता हूँ, 50 रुपये में 13 ठो गुच्छी निकाल। तो ये है नड्डा वाले भैया, कहाँ ले आ रहे हो भैया बेचने के लिए? बस गांव का दुकान में। दुकान में दोगे? तो रास्ते में नड्डा का आनंद लेते हुए हम लोग जा रहे हैं अभी। तो अभी जस्ट पीछे में छत्तीसगढ़ का बॉर्डर खत्म हुआ है और हम लोग एंटर कर गए हैं MP में। यहाँ से अनूपपुर दिखा रहा है आपका 38, शहडोल 90, अमरकंटक 108। तो शहडोल से होते हुए जाएंगे हम लोग मैहर। तो अब हम लोग को 90 किलोमीटर और आगे जाना है, उसके बाद से फिर बताता हूँ आगे क्या है। यहाँ पर देखो MP पुलिस का लगा हुआ है बैरिकेड है अनूपपुर, और समय हो रहा है 9:50। 50 किलोमीटर दूर है शहडोल, रेलवे पटरी के बगल वाला रोड है। यहाँ पर शो कर रहा है रीवा 213 किलोमीटर, कटनी 198 और शहडोल 53। शहडोल 53 शो कर रहा है यहाँ से। खड़े हैं क्या? तो अपने रूट का ये पहला टोल प्लाजा आया है, टोल प्लाजा का नाम नहीं पता है, अभी जब पैसा जब कट जाएगा ना तो समझ में आएगी कौन सा टोल प्लाजा था। सामने में है, देखते हैं यहाँ पर कितना मनी कट होता है। अलग भाई कट गया। क्या था ना, तो मैं SBI का लिया था बट इसको अभी यहाँ पर लगाया नहीं हूँ यहाँ कहीं पर, तो कहीं भी टोल प्लाजा जब आता है ना तो उसको ऐसे कर दिखा देता हूँ, तो उन लोग पैसा कट कर लेते हैं अपना। इसको कहीं पर लगाना है, यहाँ पर लगवाऊँगा या फिर उधर कहीं लगवाऊँगा, PTM को उधर कहीं लगा था। तो फाइनली वो मोड़ आ गया है जहाँ पर अपने को बोर्ड दिख गया है, यहाँ से मैहर है, मैहर पढ़ते हैं मैहर, 156 किलोमीटर और कटनी 170, बांधागढ़ 85, मानपुर 60। तो अब निकलते हैं यहाँ से 156 किलोमीटर और फिर हम लोग पहुँच जाएंगे मैहर माता के यहाँ, माँ शारदा के यहाँ। मेरे को एक इमरजेंसी ब्रेक के लिए रुकना पड़ गया, और यहाँ से अब दिखा रहा है मैहर माता का मंदिर जो है 157 किलोमीटर, और कुछ जंगल वाला एरिया है, यहाँ पर रुका था 2 मिनट, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गए हैं कुछ माता के मंदिर से 157 किलोमीटर अवे हैं, और ये वाले जंगल में कुछ बहुत देर से गाड़ी चल रहा था तो 10 मिनट का ब्रेक लिए हैं ताकि गाड़ी भी ठंडा हो जाए, गर्मी का टाइम है, बहुत ज़्यादा गाड़ी जो है ना हीट हो गई है। इधर मम्मी वेट कर रही है, और इधर ना बहुत जो काला काला माहौल रहता है ना, क्या बोलते हैं वो ब्लैक ब्लैक कीड़ा जो रहता है, काला काला जो उड़ते रहता है, क्या बोलते हैं उसको, बहुत उड़ रहा है, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं, बहुत सारा फोटो क्लिक करवाए मस्त मस्त, चलते हैं अब गाड़ी के अंदर।
अभी समय हो रहा है 11:30 और हम लोग अभी मैयर से इसको बंद करो, अचानक चालू हो जाता है, अचानक ना जंगल में नेटवर्क आ जाता है तो गाना चालू हो जाता है। तो अभी हम लोग हैं मैयर से 126 किलोमीटर अवे और ये कुछ जंगल वाला रास्ता है और यह सामने एक एम्बुलेंस जा रहा है, एचआर जो है उसका अपना स्टेट का नंबर है, हरियाणा का होगा समथिंग का। और बहुत ही ज़्यादा धूप है, 11:30 बजे ऐसा फील हो रहा है कि बज रहा है, तो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचेंगे। एस्टिमेटेड टाइम इसमें 2:30 दिखा रहा है कि हम लोग 2:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, फिर भी देखते हैं अपने हिसाब से गाड़ी के हिसाब से कितने बजे पहुँचते हैं। अकॉर्डिंग टू मैप तो बोल रहा है 2:30 बजे पहुँचोगे, और यहाँ का रोड खाली है तो मेरे को लग रहा है कि तो उससे पहले ही पहुँच सकते हैं। गाड़ी मालिक ये क्या एरिया आता है भैया? बांधवगढ़। तो ये कहाँ पर भी दिखेगा टाइगर, किधर साइड दिखता है टाइगर? अभी दिन में ना दिखेगा, रोड में अंदर जाना पड़ता है। किधर? इधर इधर भी है, इधर भी, चारों तरफ है। तो आप लोग रात को कैसे करते हो बंद करके? नहीं, हम लोगों की आदत पड़ी हुई है। फिर कुछ तो करता होगा, बंद कर देते होगा, दिखता तो होगा ना। इधर कभी आया? आता है ना, आता है। गाड़ी से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं कोरबा से। मैं हूँ ब्रिजेश। तो अभी मैं हूँ बांधवगढ़ वाले एरिया में। तो यहाँ पर क्या है ना, आगे जंगल और है, तो इस एरिया में ना थोड़ा जंगल वाला एरिया है, शेर भालू वाला, इसलिए यहाँ पर एंट्री कराना पड़ता है। तो एंट्री करा लिए हैं, मतलब नाम पता है, एड्रेस, नॉर्मल चीज़, बेसिक चीज़ है, कोई टैक्स नहीं, इतना पैसा नहीं लगता है, चार्जेस नहीं है, बस यहाँ से अपने को निकलना है अंदर जंगल वाले एरिया में। बता रहे थे शेर आता है कभी कभार। तो यही जंगल वाला एरिया है, यहीं पर दिखता है शेर। एंट्री करते हैं ना, मैं कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? उस एरिया में शेर आता है, शेर। हाँ, जंगल एरिया, बांधवगढ़ एरिया है। कहाँ से घेराव करना चाहिए? अभी लग रहा है कि मैं ना दिखा हूँ हिरण को यहाँ पे, तो शेर भी हो सकता है ना। कहाँ पे था ये? देखो खड़ा है ये, कहाँ गया यार ये? देखो हिरण है ये, देखो दो टो हिरण है, दिख रहे हैं, देख रहे हैं मेरे को ये, देखो ये जा रहा है, भागा भागा भागा, ब्याग कूद के भागा। हिरण है तो हो सकता है आसपास शेर भी हो, भागो यहाँ से, खतरनाक है बांधवगढ़। देखा मिस हिरण थे दो ठो मस्त, घना जंगल है ना। ब्रजेश कुमार, तो ये है वन उपज जांच नाका, पनपथा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया। तो यहाँ पर भी एंट्री की है गाड़ी का, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो अब यहाँ से लगभग 79 किलोमीटर दूर है मैहर माता का मंदिर, निकलते हैं। देखो उड़ गया अपना, वो पूरा आग लगा दी है लग रहा है जंगल में, यहाँ पर पूरा धुआं हो गया है रोड। समय हो रहा है 1:14, यहाँ से मैहर जो है अभी बचा है 46 किलोमीटर, और मेरे को लग गया है भूख, तो मैं आ गया हूँ गुलगुला खाने के लिए। विजरावगढ़ रोड 25 किलोमीटर यहाँ से ना। तो अभी कुछ ऐसा हुआ है ना, जो मैहर वाला रोड था वहाँ का पुल जो है अभी बंद हो गया है। तो विजरावगढ़ एक नाम का जगह है यहाँ पे, विजरावगढ़, वहाँ से 25 किलोमीटर जाके फिर वहाँ से 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा ना, तो फिर जाके अपने को मैहर आएगा। तो फिर चलते हैं इसी में 25 किलोमीटर आगे, देखते हैं। तो भाई हम लोग अगर आते हैं सही डायरेक्शन में तो उधर का ब्रिज जो है ना बंद है, खराब है। तो हम लोग एक राउंड पूरा मार के आए उधर, ये बरही दिख रहा है, बरही 30 किलोमीटर ना, तो उधर 30 किलोमीटर पूरा पीछे से घूम के आए हैं। क्या गढ़ था कुछ राजा बिजनौर? नहीं, ऐसी कुछ था राजा, राजावगढ़, राजावगढ़ था। वहाँ से 25 किलोमीटर आपका बरही से राजावगढ़ 25 किलोमीटर दूर, फिर उधर से घूमते इधर से आए हैं। तो अब फाइनली हम लोग को फिर से एक बैनर मिला है
मेहर का जो कि दिखा रहा है यहाँ से लेफ्ट में 15 किलोमीटर इधर चलना है अपने को, फिर पहुँच जाएंगे हम लोग माँ शारदा देवी के धाम पे मैया जी। तो अभी समय हो रहा है 3:03 और अभी हम लोग पहुँचे हैं सोनवारी टोल प्लाज़ा जो कि मध्य प्रदेश में है, MP रोड TBCL उमरिया। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं पहुँच गया हूँ मैया माता के मंदिर में। माता का मंदिर जो है वो पहाड़ों पे है, वो दिख रहा है यहाँ मंदिर पे माता का। ऊपर में ये मस्त एक नीम का पेड़ है जहाँ पर झंडा फहरा हुआ है और यहाँ पर रोप पे चलता है। तो थोड़ा देर में चलते हैं ऊपर में और करते हैं दर्शन। ये है रोप वे का टिकट काउंटर, देखते हैं कितना रुपया है इनका। एडल्ट 150, चाइल्ड 100 रुपया, 3 से 10 वर्ष के बच्चे को 100 रुपया। ठीक, 150 रुपया है एक आदमी का है और 6 से लेके 3 से लेके 10 साल तक के बच्चे का 100 रुपया।